हिमाचल जैसे सुहाने प्रदेश में इन दिनों लोकसभा चुनावों की गर्मी से प्रदेश में सियासी तापमान पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। नेताओं द्वारा आरोप प्रत्यारोप पूरे उबाल पर हैं। इसी कड़ी में हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के ऊना जिला के हरोली विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के ओबीसी सम्मेलन में दिग्गज नेताओं ने बीजेपी पर जमकर हल्ला बोला, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, कांग्रेस के सह प्रभारी गुरकीर सिंह कोटली और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर शामिल रहे। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने मीडिया के साथ बातचीत करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती की विवादित टिप्पणी पर उनका मानसिक संतुलन खराब होने का दावा किया। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा सत्ती का बचाव करना उनकी मजबूरी करार दिया। वीरभद्र सिंह ने हालांकि सत्ती की जुबान काटने पर इनाम की घोषणा करने वाले कांग्रेस नेता व अधिवक्ता विनय शर्मा की आलोचना करते हुए उनकी टिप्पणी को गलत करार दिया। वहीं ओबीसी सम्मेलन में कांग्रेस के हिमाचल अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती की विवादित टिप्पणियों पर उनकी आलोचना करते हुए कांग्रेस विचारधारक के विपरीत जाकर आरएसएस की प्रशंसा कर डाली। राठौर ने आरएसएस को देश में अच्छे संस्कार देने वाला और बेहतर संस्कृति निर्माण वाला संगठन बताया। उन्होंने सत्ती पर आरएसएस संगठन की छवि खराब करने के आरोप तक लगाए। कांग्रेस अध्यक्ष ने सत्ती की जुबान काटने वाले को इनाम देने की घोषणा करने वाले कांग्रेस नेता विनय शर्मा को भी गलत ठहराया, जबकि ऐसी ही भाषा का प्रयोग करने वाले कांग्रेस के पूर्व विधायक नीरज भारती को उनके द्वारा पार्टी सदस्य नहीं होने के दावे के बाद भारती और उनके परिवार द्वारा पलटवार करके उनके दावे को गलत कहने के बाद उठे विवाद को चुनाव के बाद कुछ कहने की बात कही और इस पर टिप्पणी करने से बचते दिखे। आर्य समाज इस वर्ष अपना 79वां उत्सव मनाने जा रहा है। इस उत्सव के दौरान 4 दिवसीय विश्व शांति गायत्री महायज्ञ का भी आयोजन किया जाएगा। छोटी काशी मंडी में चल रहा इस उत्सव के दौरान शहर में आर्य समाज द्वारा एक शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा के दौरान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तथा नशा मुक्ति को लेकर आम जनता से अपील भी की गई। नशा मुक्ति पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर करेंगे। कार्यक्रम के दौरान शहरवासियों को अपने अपने सुझाव देने के लिए भी आमंत्रित किया जा रहा है। वहीं 20 अप्रैल को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक मंडी गुरुदेव शर्मा करेंगे। जिसके अलावा 21 अप्रैल को विश्व शांति महायज्ञ और भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। विश्व विरासत दिवस के मौके पर भारतीय संस्कृति निधि द्वारा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट मंडी में स्थल चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें डाइट में डिप्लोमा कर रहे 50 प्रशिक्षकों ने भाग लिया। द्वितीय वर्ष की अंजना कुमारी इस प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया, जबकि प्रथम वर्ष की सोनू ने द्वितीय और द्वितीय वर्ष की अनामिका ने तीसरा स्थान हासिल किया। इस मौके पर भारतीय सांस्कृतिक निधि मंडी चैप्टर के संयोजक नरेश मल्होत्रा ने बताया कि इस दिवस का मुख्य उद्देश्य विश्व धरोहर स्थलों और स्मारकों के इतिहास और विविधता के संरक्षण बारे लोगों को जागरूक करना है।
इस दिवस को 18 अप्रैल 1982 से मनाया जा रहा है और इसे यूनेस्को से मान्यता प्राप्त है। उन्होंने बताया कि भारतीय सांस्कृतिक निधि के मंडी अध्याय ने भी शहर की विरासत और पुरानी परंपराओं, जीवन शैलियों के संरक्षण के अलावा पुराने भवनों, ऐतिहासिक मंदिरों के संरक्षण के बारे में विभिन्न स्तरों पर विचार आरंभ कर दिया है। इस मौके पर नरेश मल्होत्रा व अन्य ने विजेताओं को पुरस्कार देकर भी सम्मानित किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती द्वारा सोनिया गांधी पर फिर से टिप्पणी करने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है, जिस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को मीडिया में आकर अपने नेताओं को संयम रखने की सलाह दी। लेकिन आज भाजपा के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता रितु सेठी ने सोलन में मीडिया के साथ बातचीत के दौरान बयान दिया है और उसमें भाजपा की दिक्कतों को और बढ़ा दिया है। जिसमें उन्होंने देश की महिलाओं से आह्वान किया है कि वह महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने के चलते चुनावों का बहिष्कार करें। मीडिया के साथ बातचीत करते हुए भाजपा प्रवक्ता रितु सेठी ने कहा कि आज देश में सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं और ज्यादातर टिप्पणियां महिलाओं पर की जा रही हैं। उन्होंने दुख जताया कि जहां एक ओर देश में आधी जनसंख्या महिला की है, वहीं देश में सरकार के निर्माण में अहम रोल रखती हैं। आज उसी महिला को राजनेता शर्मसार कर रहे हैं, इसलिए वे आह्वान करती हैं कि देश की महिलाएं अपने अपमान के चलते चुनावों का बहिष्कार करें।